हेलो यूट्यूब जनता, स्वागत है आप लोगों का एल्डन रिंग के हमारे एपिसोड नंबर 73 में। अभी बस ये जो हमारा क्रमलिंग फेरम अजूला है, यहाँ पे बस अब बचा है ये एक बॉस फाइट और एक सीक्रेट बॉस फाइट जो है। ओ भाई, इस क्लिफ्स के साथ में यहाँ पे हम गिर के मरने वाले थे। सबसे हार्डेस्ट बॉस है एल्डन रिंग है। हमको एक मजाक कर रहा हूँ एक्सप्लेन जो कि एक सीक्रेट बॉस है एल्डन रिंग में, ड्रैगन लॉर्ड प्लासिड वेक्स। एक्चुअली मुझे इसके इसके बारे में पता नहीं था, मैंने तो टोटली मिस कर दिया था इसको। मैं जस्ट सर्च कर रहा था इसके बारे में कि देख रहा था कि कोई चीज़ मैंने मिस तो नहीं कर दी ये एरिया में। तो मैंने अपना इसके ऊपर देखा, विकी के ऊपर, विकी या वो एक साइट है, अगर आप इस क्रोम के ऊपर सर्च करोगे तो उसके ऊपर जो एल्डन रिंग के इन्फॉर्मेशन वगैरह बताता है। तो वैसे साइट के ऊपर गया मैं, तब मुझे पता चला कि एक ड्रैगन लॉर्ड प्लेसिडो एक्स नाम का एक बॉस है यहाँ पे अपना फेरम अजुला के एरिया में, और उसकी लोकेशन ऐसी है भाई, ये कुछ बहुत ज़्यादा हिडन है ये वाला बॉस। मैंने टोटल मिस कर दिया उसको। कहाँ से था वो, यही कहीं से जंप का ऑप्शन है उसके लिए। बोरा देखा, यहां से और नीचे आना है, ये और नीचे, और उसके बाद थोड़ा सा और नीचे। वैसे सोल्स वगैरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने लेवल अप तो पहले ही कर लिया था ये एपिसोड स्टार्ट करने के पहले। इतने सारे ग्रेट रूम्स वगैरह पड़े तो वो यूज़ करके मैंने लेवल अप कर लिया था। कुछ तो भी यहाँ जाना है और यहाँ पे जाकर रेस्ट करना है, ऐसा कुछ तो भी था। सीधा लाई डाउन करना था हमको यहाँ पे जाके। तब क्या होगा? ओ ये क्या है, टाइम रुक गया, टोर्नेडो उल्टी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है क्या? ओ भाई, ये तो सब ऑटोमेटिक रिपेयर हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है एल्डन रिंग के अंदर? मैजिक है मगर ये टाइम मैनिपुलेशन। ओ भाई, ये सब चीजें तो रिपेयर हो रही है ऑटोमेटिकली। कूल कट सीन यार, कूल कट सीन। सोचो ये बेचारा कैरेक्टर, कोई एनपीसी, यहाँ पे उसको बस थोड़ी सी आग लगानी हो, ठंडी हवा चल रही है, बस लेट गया वहाँ पे, उठ के देखा टाइम पीछे, सीधे सामने ड्रैगन। ओ भाई क्या खूबसूरत और कूल कट सीन है यार ये। वो बाकी सब ठीक है, ये ऐसा ऐसा हवा में क्यों लटका ये? कूल तो बहुत है कट सीन, मगर ये ड्रैगन को देख के ऐसा नहीं लग रहा है ड्रैगन है बोल के, इसको देख के ऐसा लग रहा है अंडे में से चूजा बाहर आया देखो। पहले इसके ना मैं मूवमेंट थोड़े से ये करते हैं। हाँ भाई जा, जल्द उससे जा। अच्छा मैं नहीं आऊंगा तो ये भी नहीं आएगा। ओके जाना है भाई, एक मूवमेंट देखने के जा उसकी, जा जल्द उससे जा। अरे भोसड़े के जा, अरे अच्छा मतलब ये ऐसे बिजली वाला अटैक देगा पहले। हाँ अच्छा, तो ये भी सीन होता है कि अगर समझो मैं आगे नहीं गया तो मेरा ये भी आगे नहीं आता है, मेरा मिमिक टीयर है।
कोई बात नहीं। ओ भाई बिजली बिजली गिरा रहा है तो। ओ भाई तो आग वाग की बरसात कर दी यहाँ पे। और अब बाप मेरा भी टेयर फाइट ले रहा उससे अभी। अरे यार ये तो बहुत खतरनाक है सर। ये क्या बकचोदी है, धक्का लगा मर गया मैं उसका। ज़्यादा कुछ मूव तो नहीं है इसके, मगर डेंजरस है बहुत है। जो मूव है वो बहुत अति पावरफुल है। ये देखो ये बक्सोदी कैसा, तो जब ये रोर देगा तब तब अटैक करके फायदा नहीं है इसको। अबे ये क्या था, ये अटैक वो दिखा भी नहीं। अच्छा एक मुंडा से पहले ही काट दिया इसका एक मुंडा। अबे यार अबे अबे क्या छूते अबे। ये तो बकचोदी थी, उसकी इतनी बड़ी बॉडी उसमें अटक गया है, उसने बस फ्लेम छोड़ दिया खत्म। अबे नहीं 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 अबे यार ये सबसे गंदा है उसका अटैक, चांस ही नहीं मिलता है। वो प्लेयर पर बाद में उठ जाता है वापस। फ्लास्क में नहीं, मिक्स बंडर साइकिक। हाँ इसके जगह टेम्परली बूस्ट मैक्स एचपी इन मिक्स साइकिक, रिसोर्स हाफ ऑफ टोटल एचपी इन मिक्स साइकिक, रिसोर्स हाफ ऑफ टोटल एफपी एफपी, स्टैमिना रिकवरी डेक्सटेरिटी बूस्ट ऑल डैमेज निगेशन इन साइकिक, डिस्टेंस एंड हील स्टेटस इन मिक्स साइकिक, यूजेस को प्रोग इन मिक्स साइकिक, रून लॉस एंड डेथ इन मिक्स। ओके ट्विकी क्राइटेरिया तो बहुत काम का है। मिक्स कंसेक्यूटिव अटैक्स ग्रो स्ट्रॉन्गर इन मिक्स साइकिक, makes attacks more likely to break enemy stances in a mixed psychic. All the attacks, boost all the attacks in mixed psychic. So HP when near death in mixed psychic. Converts damage received into HP in mixed psychic. Oh, yes. ये काम का है। शायद से फायर वेपन यूज़ करने की आगा ठीक है, मेरे पास ये पहना नहीं है मैंने तो वो सही है।
और मैं कंजीक्यूटिव अटैक तो उसको वैसे भी नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसको ये कर दो। और उसके बाद फायर ग्रीस किएगा, मैं एक काम कर दूँ, स्लीप वाली ग्रीस यूज करके देखता हूँ एक बारी क्या होता है। हाँ अरे लॉर्ड, चलो ये बारी तो मरने वाला है। यही सबसे गंदा अटैक है उसका। अच्छा कुछ देर के लिए चलता है वो, ड्यूरेशन बहुत ही कम है उसका तो। ओ फक, नहीं 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 अरे इसके अगेंस्ट स्लीप तो कुछ काम नहीं कर रही इसके अगेंस्ट आई गेस। ओ ओ फक, कहाँ जा रहा है तो? गायब हो गया ये, कहाँ गायब हो गया? ओह वो ओह उफ, ओह फक, गलत 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 गलत, अरे गया फिर से खाया। उफ फक, इतना अबे यार फिर से गायब हो गया। नहीं अबे यार दिमाग खराब। चलते सेकंड फेज में तो लाया भरी मैंने उसको, सेकंड फेज में और क्या हो फाइट। फर्स्ट फेज में इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है बॉस फाइट, तो इसकी अगर कोई दूसरे ग्रीस यूज करना पड़ेगा मेरे को। स्लीप ग्रीस इतनी इफेक्टिव नहीं है उसके अगेंस्ट। स्कारलेट ट्रॉट ट्राई कर सकता हूँ यूज करने का, ये बारी रॉड वाली ट्राई करेंगे ये बारी। अरे भाई अरे यार वहां तक तो पहुंचा ही नहीं बारी। फाइनली हुआ। अबे यार हट,
फक। अबे यार ये क्या चूतिया बनती है बहन की चूत। दिमाग खराब। ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है। इसके लिए इसके जगह ये वाला एक यूज करता हूँ, वो एक अटैक के लिए। अबे हाँ अबे यार ये क्या चूतिया बनती है बहन की चूत। अबे यार उफ क्या बकचोदी है माँ की चूती है। अरे नहीं अबे यार ये क्या चूत है यहाँ पे बहन की चूत। मरने को आ गया था वो। हाँ बस गिर गया था माँ का भुसड़ा और उसके बाद में पूरा एक वन शॉट कर देता। बस वो बॉस पूरी हेल्थ खा जाता है वो। हेलो डायमंड क्यों डायमंड हाँ करो तो कॉल भोसले ले विचार ना जबरन। हाँ हाँ चलो एक बार लास्ट अटेम्प्ट करते हैं इसके अगेंस्ट। अब तो थोड़ी देर से करूँगा। अब मैं मेरा भेजा पूरा पक गया है इसको मारते मारते। अरे तो बुलशिट अटैक से मर रहा है मैं, उसका ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं गलती से नहीं मर रहा हूँ, मैं मर ऐसे चीज़ों की वजह से रहा हूँ ना, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है उसके से। नेक्स्ट अटैक मेरे पे है क्या? नहीं ले बुछड़ी की स्कारलेट रोड हो जाए ले। कहाँ जा रहा है रुक, वो स्टेटस कम हो जाएगा तेरा स्कारलेट रॉट का। फाइनली हुआ। और सबसे पहले तो अभी कहाँ पे हो बहन का लौड़ा? ओ वहाँ पे। उफ चलो
गलत टाइम पे यूज कर लिया मैंने। शायद थोड़ी देर के बाद यूज करता तो ज्यादा सही रहता। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ओह अच्छा यूज कर लिया था। ओ नहीं मर जा भोसड़ी के। ओह फक फिर हवा में गए। साले हट। मर गया बॉडी वाला। 2,80,000 सोल्स मिले फाइनली मरा बॉडी वाला। भाई 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 ये अचीवमेंट के साथ मुझे लगता नहीं नेक्स्ट एपिसोड कंटिन्यू कर पाऊंगा मैं। थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना पड़ेगा खुद को। बहुत मर गया भाई बहुत मर गया मैं। तो अगर आपको अब तक का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो कमेंट करो और सब्सक्राइब करो और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए पीस आउट।